हरि ओम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। प्रियवर, यदि आवाज ऊंची हो तो कुछ ही लोगों को सुनाई देती है या प्रिय लगती है, लेकिन अगर विचार बहुत उत्तम हो और उन्हें सर्वोत्तम बनाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाएं, तो वो बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं और उनके कामों में योगी, सहयोगी, उद्योगी और उपयोगी बने रह सकते हैं हमेशा, अगर सही विचार पंग को भी मिल जाए, यानी लंगड़े मनुष्य को भी मिल जाए और सही प्रोत्साहन उसे लगातार मिलता रहे, तो वो भी हिमालय जैसी ऊंची चोटियों तक पहुंच सकता है। बस अपने विचारों को ऊंचा रखना परम आवश्यक है और स्वयं को अंदर से देखना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। खुद को ऊपर उठाना, सकारात्मक बने रहना, सकारात्मक ऊर्जा को लोगों को देते रहना, बस यही परमपिता परमेश्वर से सदैव प्रार्थना करता रहता हूँ। आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा उच्च विचार रखें, सद्विचार रखें और परमपिता परमेश्वर की राह में चलने वाला कोई भी एक काम अवश्य करें। ऊंचे विचार। नमस्कार।